महंगाई चल रही, बहुत ज्यादा महंगी है। महंगा हो गया ना, आलू 30 रुपए हो गया, टमाटर 120 हो गया, चुनाव आने बहुत महंगाई चल रही है। अच्छा, बहुत महंगाई। तभी चेंज हो सकता है चुनाव में? हो सकता है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बन सकती है। अच्छा, महंगाई बहुत कर रही है भाजपा। अच्छा हाँ, चेंज हो सकती है सरकार? हो भी सकती है, क्या पता है, उस सरकार के ऊपर है, बोर्ड जैसे। क्या नाम है आपका? मेरा रूति। सब्जी खरीदने आई थी आप? हाँ, सब्जी खरीदने आई थी। क्या महंगी लग रही है सब्जी? नहीं, यही भाव चल रहा है अभी तो। और टमाटर क्या रेट चल रहा है? टमाटर 120 महंगा हो गया पहले से। हाँ। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है घर के बजट पे आपके फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा? अरे बच ही नहीं रहे ना। अच्छा, महंगाई ज्यादा है। अच्छा, ये हम लोग सर्वे कर रहे हैं जो चुनाव आने वाले हैं इसमें क्या माहौल रहेगा, आपको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वो कामकाज ठीक कर रही है या फिर कांग्रेस आ सकती है? क्या पता भैया, दोनों में से कोई भी आए। अच्छा। लेकिन सस्ती होना चाहिए, चीजें सस्ती होनी चाहिए। तो अभी सिलेंडर जैसे 1200 रुपए है, तो वो भी फर्क डालता होगा आपके बजट पे? तो सब में है, है? हाँ, सब में है। अच्छा, तो आप क्या भी सब्जी खरीदने जा रही हो? जे लेंगी, आलू प्याज है या टमाटर है तेरी, ये बैंगन वगैरह है, लौकी है। अच्छा, तो अभी जो महिलाओं को शिवराज सिंह चौहान जी रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए आपको मिल रहे हैं, क्यों आपने फॉर्म नहीं भरा? नहीं, मैं घर चली गई थी। अच्छा, लाडली बहन योजना, तो आप अभी आप भर सकती हो फॉर्म? अभी तो भरेगी तो भर देंगे। नहीं, आप तो चाहिए नहीं कहते ना? नहीं चाहिए। अच्छा, क्या काम करती हो आप? मैं कुछ नहीं करती, मैं घर में रहती हूँ। हाउस वाइफ। आपके पति क्या करते हैं? जे मिस्त्री है। मिस्त्री, वो भी करे तो करे, नहीं घर में बैठे रहते हैं। अच्छा, और आपके बच्चे हैं? अरे मेरे 4 बच्चे हैं। पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मेरा नाम त्रिकेट। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, कहीं मजदूरी करते हैं। फूल की दुकान लगाते हैं। फूल की दुकान लगाते हैं। जो चुनाव आने बहुत महंगाई चल रही है। अच्छा, बहुत महंगाई। अच्छा, तभी चेंज हो सकता है चुनाव में? हो सकता है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बन सकती है। अच्छा, महंगाई की वजह से ही? महंगाई के कारण। अभी जैसे हम आंटी जी से पूछ रहे थे, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, टमाटर के रेट महंगा हो गया ना। हाँ, आलू 30 रुपए हो गया, टमाटर 120 हो गया। तो आपके जो आम लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अभी क्या लग रहा है कि जो आप मतलब आप वोट बैंक कहाँ, मतलब कहाँ पे आप वोट डालते हो? वोट क्या, यहीं डालता है, 3 नंबर में। 3 नंबर में। अच्छा, तो आपको लग रहा है मतलब कांग्रेस की सरकार जैसे कई वादे कर रही है वो पूरे करेगी? अब पता नहीं है भैया, देखो नेता लोग हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। कहने को तो बहुत हो जाते हैं। हाँ। शिवराज सिंह ने भी बहुत किए थे। हाँ, हाँ। और ये कमलनाथ भी बहुत करे थे। हाँ, हाँ। लेकिन वो करने गरीब आदमी पास पहुँचे जब तो। अच्छा, आपका काम कैसा चल रहा है? फूल वाला बहुत डाउन चल रहा है अभी, बहुत मतलब लोगों को। हाँ। इस काम के अभी मतलब फूलों की कम जरूरत पड़ रही है। हाँ, फूल बरसात में माना खत्म हो चुके। अच्छा अच्छा, तो अभी उस तरीके का काम नहीं है? नहीं। आपका सीजन कौन सा रहता है? सीजन रहता है नौ देवी का। नौ देवी में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है? हाँ, नौ देवी। अच्छा, इस मतलब आपको लग रहा है आपके बच्चे हैं? है ना। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं, कैसे? बेलदारी कर जाते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, ऑटो पाटो। तो आप आपके मैडम जी को रुपए मिल रहे हैं 1000 रुपए जो सरकार? अभी तो अपन ने पूछा नहीं। नहीं नहीं, आपने फॉर्म वगैरह भरवाया होगा ना जो लाडली बहन योजना? जी नहीं मालूम हमको, भरा या नहीं भरा। तो आपने नहीं भरवाया, बताया नहीं घर पे? नहीं, मैंने नहीं बताया, और बताया ही नहीं किसी ने। तो किसी को पता नहीं आपकी? हाँ। जो शिवराज सरकार रुपए दे रही है? हाँ, हमको पता नहीं है। मेरा रामचंद्र कुशवा। क्या काम करते हो आप? हम जी सब्जी का ठेला लगाते हैं। सब्जी का ठेला लगाते हैं। हाँ, तो अभी क्या चल रहा है अभी, मतलब कामकाज कैसा चल रहा है? काय के बारे में? सब्जी का ठेला लगाते हो, बिक्री कैसी हो रही है? महंगाई चल रही, बहुत ज़्यादा महंगी है अभी। अच्छा, सब्जी महंगी है। हाँ, तो अभी जो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा? तो महंगाई बहुत कर रही है भाजपा। अच्छा हाँ, चेंज हो सकती है सरकार? हो भी सकती है, क्या पता है, उस सरकार के ऊपर है, बोर्ड जैसे पाना कहते हैं। अच्छा हाँ, तो आपको लग रहा है कि जो महंगाई है वो चुनावी मुद्दा बनेगा? महंगाई सर बहुत ज़्यादा है ऊपर। अच्छा हाँ, अभी तो कांग्रेस जैसे नाराजगी है इसे लेकर, बीजेपी को लेकर, महंगाई की वजह से। हाँ, महंगाई की वजह से बीजेपी के लोग नाराजगी है? अब नाराजी है, महंगाई है तो आपके नाराजगी तो है ही, है नाराजगी। हाँ। अच्छा, आपको शिवराज सिंह की योजना वाले रुपए मिल रहे हैं? हाँ? आपकी फैमिली को, जो आपकी पत्नी है, उन्हें शिवराज सिंह योजना जैसे लाडली बहन योजना मिले? हाँ, नहीं है मिले। ये आपका बेटा है? हाँ, नाम राहुल। क्या काम करते हो आप? कोई स्टडी करते हैं। किस क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में है। 11th में? नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर। हाँ। क्या आपका सब्जेक्ट क्या क्या है? मैथ है। मैथ है? मैथ फिजिक्स। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जो चुनाव है उसमें कुछ समझ में आता है आपको थोड़ा बहुत?
उस मामले में तो खैर जैसे भाई आपकी आपकी जो युवा हैं, आपको लग रहा है आपके लिए वैकेंसीज वगैरह उतनी आ रही हैं? नहीं, वैकेंसीज तो काफ़ी आ रही हैं वैकेंसीज, देखा जाए अभी जैसे पुलिस की एमपी पुलिस की भी वैकेंसी है। हाँ, एमपी पुलिस की है, अभी तो बहुत वैकेंसी है, अभी एमटीएस की भी आई हुई है। तो अभी आपको लग रहा है चुनाव के दौरान ये सारी वैकेंसी आती है ना? हाँ, ये बात तो है कि चुनाव के टाइम ही वैकेंसी ज़्यादा आती है देखा जाए तो, लेकिन आती है ऐसा नहीं है। और एसएससी तो हर टाइम टेबल पर अपना देता ही है। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में कुछ एक समझ बन रही है कि इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? देखा जाए तो शायद दोबारा बन सकती है बीजेपी की। हाँ, और कांग्रेस की सरकार की संभावना लग रही है कुछ? संभावना, लेकिन उसकी ज़्यादा संभावना है बीजेपी की। हाँ। अच्छा, ये जैसे आपके पापा जी कह रहे हैं कि महंगाई से लोग परेशान हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो इसके लिए नाराज़गी है सरकार के प्रति? देखा जाए तो वो महंगाई है, जो कि महंगाई कम हो जाएगी अब। जो महंगाई बढ़ी है वो अभी, सब्जी बहुत महंगी हो गई है और सभी चीज़ें महंगी हो गई है, दाल वगैरह देखा जाए, खाने पीने की चीज़ें जो भी सभी। हाँ। कम हो सकती हैं अभी, हो सकती हैं। कैसे कम होंगी? कहने के अभी चुनाव आएंगे ना, चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, मतलब चुनाव के टाइम पे लगभग जो भी चीज़ है वो सस्ती हो ही आएगी। अच्छा, अभी देखा जाए तो। अच्छा, चुनाव के समय सस्ता होगा? हाँ, चलिए। हाँ, तो आपको लग रहा है थोड़ा बहुत चेंज होगा? हाँ, सस्ता तो होगा। लेकिन क्या नाम है आपका? तिलक सिंह। क्या आप काम करते हैं आप? सब्जी भाजी का। और ये आपका ठेला ही है ना? हाँ, अपना ही ठेला। तो कैसा अभी चल रहा है कामकाज? क्या काम? महंगाई के मारे कम चल रहा है, महंगाई। और क्या, सामान कम खरीद रहे हैं? कम का खरीद रहा, मिल रही पहले सामान मिल ही नहीं रहा, मिलू जाता है तो बहुत सामने महंगा है। अच्छा अच्छा, तो इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कुछ फर्क पड़ेगा इस महंगाई का? फर्क पड़ सकता है, नहीं पड़ सकते, मतलब सरकार है। अच्छा, तो जो आपको लग रहा है बीजेपी की दोबारा आ सकती है? अब जो नेता लोग हैं पता नहीं है किधर को ढलते हैं। नेता लोग नहीं, आप लोग ढलोगे ना? आप जैसे आपको लग रहा है महंगाई है तो आप परेशानी हो रही होगी थोड़ी? परेशानी अर्जेंट तो समझने को, हम अकेले को थोड़ी है परेशानी। अच्छा अच्छा, तो सब लोगों को परेशानी है तो सब लोग कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे? अब पता नहीं है नाराज हैं कि नहीं। नहीं, आपको आप नहीं ना, आपको अपनी बताओ, आपको क्या लग रहा है? आओ आप बताओ, परेशानी महंगाई हुई तो परेशान नहीं होगा? अच्छा, बीजेपी जैसे सरकार है वो शिवराज सिंह जी 1000 रुपये भेज रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, खाते में आ रहे हैं आपके? तो अभी फार्म वार्म डले हैं और आ गए हुए काऊ काऊ के, काऊ के नहीं आए हुए हैं अभी। अच्छा, तो अभी और जो कांग्रेस है वो कई सारे वादे भी कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, भाई हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, ऐसे कई सारे वादे कर रही है, तो आपको उसका फर्क पड़ेगा? अब हमें तो कब जगह हमें का मालूम, मतलब कह रहे हैं। हाँ। अब केवे के ऊपर है, क्या मालूम हो रहा हो कि नहीं हो रहा। अगर नहीं, अगर वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसा करेंगे, अब वो तो दोनों पार्टी हैं, वो तो कहती हैं, जो कहेगी वो कहेंगी अपना अपना। अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? अब देखो अपना वहाँ में क्या, जित को जनता घुस जाए, जित को जाए, अब नेता लोग वो अपनी करें वही चलेगी, और अपना क्या चलेगा वहाँ। आपका कामकाज बढ़िया चल रहा है? अरे बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे। क्या काम करते हैं? वही अब मजदूरी लोग करते हैं। और पढ़ाई वगैरह नहीं करी उनने? पढ़ाई करी थोड़ी बहुत, अपने पास कछु होता तभी तो पढ़ पाते। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है उतना खर्चा नहीं था कि पढ़ाई करवा पाते हैं ना? का खर्चा अब जा ठेला में अपना पेट भरेंगे, खर्चा करेंगे कन। अच्छा। कन से आएगा। अच्छा, तो ये जैसे आप जो लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग जो ठेला वगैरह लगाते हैं, हम कई सारे लोगों से बात की तो उन्होंने तो कहा बहुत नाराज़गी है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। अब अपन तो नहीं कह सकते, अपन क्या मालूम कौन रंग की सरकार बनती है। अच्छा, डर भी लगता है कि तो कुछ होना जाए? नहीं, डर काय को लगता है? अच्छा, डर काय को? खिलाफ बोल दिया बीजेपी, खिलाफ बोल दिया तो खिलाफ क्यों? बीजेपी अब है ना, कांग्रेस नहीं हती क्या? अच्छा, बीजेपी नहीं हती क्या सरकार? अच्छा, दोनों ही सरकार बनती है, कौन मतलब एक पार्टी में तो दोनों में से एक ही तो बनेगी, दोनों ही बन जाएंगी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि टक्कर का माहौल है? हाँ, टक्कर का माहौल है। क्या नाम है आपका? गोपाल प्रजापति। आपके 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 ठेला लगाते हो? नहीं, तो मजदूरी करते हैं। आप मजदूरी करते? हाँ, हैं मजदूरी। तो कैसे चल रही है मजदूरी का काम? मजदूरी तो ऐसी है 10 दिन मिल जाए, महीने में 5 दिन मिल जाए, बैठे हैं। अच्छा, खर्चा जो ले रहा है जैसे सब कर रहे हैं। तो आपको जो शिवराज सिंह जी की योजना है वो रुपये मिल रहे हैं 1000 रुपये घर पे मैडम जी को? आप पता नहीं है, फार्म तो भरे गए थे, अभी तक तो मिले नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये जो चुनाव आने वाले हैं इसमें कुछ फर्क पड़ेगा आपको लग रहा है? बदल सकता है माहौल? माहौल तो बदलने का कोई चांस नहीं है, आदमी ये ऐसे मान के लालच डाल रहा है। है, वो कह रहा है मैं 500 रुपये का सिलेंडर दूंगा। कांग्रेस है? कांग्रेस मैं जीत जाऊंगी, वो तो क्लियर कर रही है। और ये कब तक समझ लो, मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि जब तक ये मान लो
ये जीतेगा तो तुम्हारे जो इतने फार्म भरे हुए पैसे मिलेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा किसी को। अच्छा, अगर कांग्रेस आ गई तो? कांग्रेस आ गई तो, और जे बीजेपी आ गई तो कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा ना। अच्छा। क्लियर बोल रहे हैं, मजदूरी के लिए मजदूरी भी नहीं है ढंग से। अच्छा हाँ, तो मजदूर वर्ग और जो जो ठेला वगैरह लगाते हैं उनमें नाराजगी है आपको लग रहा है ना? नहीं नहीं, हम इसमें कोई मतलब नहीं, हम तो वैसी मजदूरी करते हैं। कैसी? जैसे कोई ईंट मंगा रहा है या रेता मंगा रहा है, गिट्टी मंगा रहा है, तो ऐसे मतलब मिल जाते हैं 100-200 रुपए ऐसे। अच्छा अच्छा, ये काम है। अच्छा, तो आप आपको सरकार से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो नाराज़गी है वो वोटों में बदलेगी? ऐसा कुछ नहीं बता, कांग्रेस के सपोर्ट में माहौल नहीं बनेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं बता सकते, वो तो जनता है जहाँ पलट खा जाती है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जब लास्ट टाइम वोट डलेगा तो कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकता है माहौल? ये तो कोई बता नहीं सकता कि क्या हो जाएगा, वोट तो आप ही लोग डालोगे ना? हाँ, यह डालेंगे, वो तो समय देख के, जैसे हवा किधर की किधर को चल रही है तो उस हिसाब से जनता पलट जाती है। कांग्रेस की तरफ हवा हुई तो? अरे वो तो कांग्रेस को पलट जाएगी, उसमें क्या है, बीजेपी की चलेगी तो बीजेपी तन पलट जाएगी। अच्छा, जनता है लालची हो गई है। तो किसान तो बहुत परेशानी कह रहे हैं, हमारी फसल बहुत सस्ती बिक रही है। सस्ती नहीं बिक रही, महंगी बिक गई, सरसों बहुत बता, ये सब चीज महंगी है किसानन की है, का बाजार में पैदा थोड़ी हो रही है। किसान ये कह रहे हैं व्यापारी वर्ग को इसका फायदा हो रहा है, किसानों को डायरेक्ट फायदा नहीं, व्यापारी फायदा कर रहा है, किसान को कुछ नहीं है, मजदूर को कुछ नहीं है, बेचने वालों को कुछ नहीं है, व्यापारियों को, व्यापारी है उनको फायदा है, उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सरकार को इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, देखनी चाहिए सारी? तो सरकार खुद करे, अपन जैसे क्या कर सकती है, अपनी कोई सुनवाई नहीं है, सरकार करेगी जो ही होगा वही होगा। तो आपको लग रहा है कि 18 साल पिछले लगभग 18-20 साल से बीजेपी की सरकार है, अगर थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए माहौल? माहौल तो चेंज हो गया, जैसे बीजेपी आने से जैसा गुंडागर्दी खत्म हो गई, चोरी बढ़ियाई खत्म हो गई, और कांग्रेस आ जाने वही काम चलेगा। अच्छा, कोई चेंज नहीं होगा? कोई चेंज नहीं होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, अल्लाह मैं कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है और हुआ था पहले। अच्छा अच्छा हाँ।